जिस टाइप के आदमी है ना लाला, उसमें दिक्कत यही है कि हमें खुद नहीं पता कि हम कब क्या करेंगे। समझदारों ने दिया है धोखा, अब हरामियों से यारी होगी और महफिल किसी की भी हो बात हमारी होगी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे फेमस प्रैंक स्टार और व्लॉगर पारस ठकराल और स्नेहा सचदेवा के बारे में। दोस्तों आज की वीडियो में हम पारस ठकराल की कठिनाइयों से गुजरती हुई जिंदगी के बारे में आपको बातें बताने वाले हैं और साथ ही बताएंगे इनकी गर्लफ्रेंड स्नेहा सचदेवा के बारे में कि किसी और की गर्लफ्रेंड होते हुए भी पारस ठकराल ने उनसे शादी कर ली। तो इस वीडियो में आपको पारस ठकराल के अनसुने राज देखने को मिलेंगे। तो आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे। इश्क मेरा फितूर, तू जो भी कहे बन जाऊं मैं। 29 अगस्त 1996 को पारस ठकराल का हरियाणा में जन्म हुआ और इनकी फैमिली में मम्मी पापा और इनकी बहन है जिसका नाम कोमल ठकराल है। इनकी सिस्टर को तो आपने देखा ही होगा, ये अक्सर वीडियो में लाते रहते हैं। इनकी बीवी का नाम स्नेहा सचदेवा है और इनका एक 2 साल का बेटा भी है और इन्होंने अपनी पढ़ाई हरियाणा से कंप्लीट की और फिलहाल ये दिल्ली में रहते हैं, इनका होम टाउन दिल्ली है। पारस ठकराल देखने में बहुत ही हैंडसम है और इन्होंने जिम करके अपना शरीर फिट बना रखा है। दोस्तों आपको बता दें कि पारस ठकराल बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं। इन्होंने पहले दिहाड़ी मजदूरी करके अपने घर का खर्च भी चलाया और इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ही मेहनत की। और पहले तो इनके पापा भी मजदूरी दिहाड़ी करके अपने परिवार का पेट पालते थे और 12th के बाद पारस ठकराल भी अपने घर के जिम्मेदारियों को समझने लगे और दिल्ली जाकर एक फैक्ट्री में काम करने लगे जहाँ पर इन्होंने खूब मेहनत की। इनके घर की स्थिति बहुत ही खराब थी, इन्होंने 12th के बाद ही कंपनी में काम करना शुरू कर दिया था। पारस ठकराल का मन नौकरी करने में नहीं था, पारस ठकराल अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते थे। पारस ठकराल ने अपने दिमाग में ठान रखा था कि मैं गरीब जरूर हूँ लेकिन गरीब लेकिन अपनी मेहनत के दम पर अपने घर वालों को बहुत ही सुकून की जिंदगी जीऊंगा। और उसके बाद पारस ठकराल ने जॉब छोड़ दी और वो यूट्यूब पर अपना करियर बनाना चाहते थे और उन्हें यूट्यूब के बारे में जानकारी पहले से ही थी और उस समय प्रैंक वीडियो का काफी क्रेज भी चल रहा था। उन्होंने सोचा कि मैं भी प्रैंक बनाना शुरू करूं और उसके बाद वो प्रैंक बनाने लगे और पारस को वीडियो बनाने में बहुत ही इंटरेस्ट आने लगा और वो लगातार वीडियो बनाते रहे। लेकिन शुरुआत में तो उनके वीडियो को कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला और लोग भी उनका काफी मजाक उड़ाते थे, लेकिन पारस ने हार नहीं मानी। वे लगातार वीडियो बनाते रहे और अपने मुकाम को हासिल करना था। उन्होंने ठान रखा था कि हमें कुछ बड़ा करना है। जब उनके चैनल पर 30 से 32 वीडियो अपलोड हो चुकी थी तब उनकी वीडियो एकदम से वायरल हो गई और वीडियो वायरल होने के कारण उनके सब्सक्राइबर भी बढ़ने लगे और उन्हें लोग जानने लगे और उनके चैनल पर आज 1.88 लाख सब्सक्राइबर है। मिलियन सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए और उन्होंने अपने चैनल पर 208 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। और उसके बाद पारस ठकराल ने व्लॉग बनाना स्टार्ट कर दिया, उन्होंने अपना व्लॉग का चैनल क्रिएट किया और प्रैंक का चैनल बंद कर दिया और उनके व्लॉग चैनल पर भी 2 मिलियन सब्सक्राइबर कम्प्लीट हो चुके हैं। पारस ठकराल ने अपनी लाइफ में बहुत ही स्ट्रगल किया। दोस्तों पारस ठकराल स्नेहा से कैसे मिले, इनकी लव स्टोरी की कहां से शुरू हुई, तो ये जानने से पहले हमने स्नेहा सचदेवा के बारे में पहले कुछ जान लेते हैं। 6 जून 2000 को दिल्ली में स्नेहा सचदेवा का जन्म हुआ जिसे आज आप स्नेहा सचदेवा के नाम से जानते हैं। ये भी एक फेमस यूट्यूबर है जिनके चैनल पर 1.2 मिलियन सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। स्नेहा सचदेवा को प्रैंक वीडियो बनाने का काफी शौक था और ये अपने चैनल पर प्रैंक की वीडियो ही डालती हैं और इन्होंने यूट्यूब पर प्रैंक वीडियो डालते थे। इन्होंने अपने चैनल पर बहुत ही अच्छी अच्छी प्रैंक वीडियोस अपलोड की हैं जो लोगों को भी काफी पसंद आई। पारस ठकराल और स्नेहा सचदेवा की एक मुलाकात में ही उनकी फ्रेंडशिप हो गई और उनकी फ्रेंडशिप का प्यार में बदल गई, उन्हें पता ही नहीं चला और उन्होंने शादी करने का फैसला किया। शुरू में तो वे दोनों वीडियो बनाने लगे और उसके बाद उन्होंने शादी कर ली। उनका एक क्यूट सा बच्चा भी है जिसका नाम हृदय ठकराल है। तो क्या आप भी पारस ठकराल के फैन हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो पर छोटा सा कमेंट भी करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जिस टाइप के आदमी है ना लाला, तो उसमें दिक्कत यही है कि हमें खुद नहीं पता कि हम कब क्या करेंगे। बन जाऊं मैं छाया है यूं तेरा सुरूर, जिस रंग कहे रंग जा।
समझदारों ने दिया है धोखा, अब हरामियों से यारी होगी और महफिल किसी की भी हो बात हमारी होगी।